350 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है हेमलकासा गांव। सुना इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रहती है, इतनी बड़ी कि उसमें करीब 90 बच्चे हैं और बच्चों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। यार मुझे तो इनके डेयरिंग बाज मम्मी पापा से मिलना है, कैसे कर लेते हैं ये सब। सो स्वीट। अरे आप चौंक क्यों गए, यही तो है पापा मम्मी डॉक्टर प्रकाश और मंदाकिनी आमटे। हेमलकासा में 50 एकड़ की जमीन पर बसा है ये आमटेज एनिमल आर्क, वो आर्क जो है जंगली जानवरों के बच्चों का पिछले 45 सालों से घर। उनके खाने पीने से लेकर उनकी देखभाल आमटे फैमिली ही करती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिरन और मोर जैसे हार्मलेस वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो आप इन लकड़बग्गा महाशय के बारे में क्या कहेंगे। इस परिवार को तो इस खुकार से भी डर नहीं लगता। तो लोग कहते हैं बच्चों को उठा लेता है, हमारा नाती आएगा अंदर तो उसके साथ भी प्यार से आरनो। ये वैसे तो बहुत डेंजरस होता है, बहुत मतलब क्रूयल होता है तो लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। ये क्या कर रहे हैं आमटे जी? यार इनको तो जरा भी डर नहीं लगता। जोर से पकड़ता है लेकिन खून नहीं आया कभी, खून नहीं आने से। ये देखें जैसे आपने फैमिली का समझता है मुझे, वो उसके फैमिली का, वो आपस में जैसा खेलते हैं वो वैसा मेरे से खेल रहा है। वाओ, मैंने सुना जरूर था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन प्यार से जंगली जानवर फैमिली मेंबर बन जाते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन क्या सारे जानवरों पर भी ये रूल अप्लाई करता है? What about खूंखार तेंदुआ महाराज? I don't believe this. यहाँ तो तेंदुआ ऐसे गले मिल रहा है जैसे मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो। तेंदुआ जो जाला जिसको क्रूएल और अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, सर्कस वाले भी उसको रखते नहीं थे। भालू वो भी बहुत डेंजरस है, जंगल में आए तो आदमी को मार सकता है। लकड़बग्गा, मगरमच्छ और ऑल काइंड्स ऑफ स्नेक्स, तो ये सब है अपने यहाँ पे। इतने सारे कितने प्यार से रहे यहाँ पे, तो मैं जिंदा हूँ ये उसका प्रूफ भी है कि मैंने कभी उसको ट्रेनिंग नहीं दिया। यार पता नहीं कि आमटे जी में हिम्मत ज्यादा है या कंपैशन, लेकिन उनकी रग रग में अपने पिता के संस्कार जरूर है। एक्चुअली डॉक्टर प्रकाश आमटे के